Hello students, in the last video we have studied about the differential length, differential volume and differential surface area. Okay, now in this video we will start with the del operator. Okay, you can say the most important topic in coordinate system. Okay, so del operator aapka kya hota hai, kya kya use hai iske, del operator pe based hum kaun kaun se operation padhne wale hain, ye main is video mein cover karne ki koshish karunga. Okay, तो del operator जो है वो कुछ इस तरीके से define किया जाता है, del, okay, del by del x ax, okay, plus del by del y ay, plus del by del z az, okay. यहां पर मैंने del operator जो लिखा है वो लिखा है cartesian coordinate system में, ठीक है. अब आपको अच्छे से पता है कि हम लोगों ने तीन type के coordinate system study किए हुए हैं, ठीक है. तो हमें सेम डेल ऑपरेटर को कार्टेशियन में लिखना होगा, सेम को स्फेरिकल में और सेम को आपको सिलेंड्रिकल में. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हम सिंपल सी एक ट्रिक यूज करने वाले हैं और उसी ट्रिक को हम यूज करेंगे कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में भी, डेल ऑपरेटर के फॉर्मूले में भी, ठीक है ना. जो ट्रिक हमने यूज की थी आपके लास्ट वीडियो में जब हमने डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल एरिया स्टडी किया था, ठीक है. तो जो जनरलाइज फॉर्मूला डेल ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. देखिए, 1 अपॉन एच वन डेल अपॉन डेल यू ए यू प्लस 1 अपॉन एच टू डेल अपॉन डेल वी ए वी प्लस 1 अपॉन एच थ्री डेल अपॉन डेल डब्ल्यू ए डब्ल्यू. ओके, हमने लास्ट वीडियो में ये ट्रिक पढ़ रखी है एच वन एच टू एच थ्री एंड यू वी डब्ल्यू की, तो आप लास्ट वीडियो फिर से रिफर कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो, ठीक है. अब अगर मैं बात करूं डेल ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, एच वन की वैल्यू क्या थी, वन, एच टू क्या था, रो, और एच थ्री भी क्या था, वन. तो क्या हो जाएगा, वन इन टू सिलेंड्रिकल में आपका यू वी डब्ल्यू क्या था, रो फाई जेड, तो डेल अपॉन डेल रो ए रो प्लस H2 क्या था आपका, रो, तो 1 बाई रो, V क्या था आपका, फाई, तो डेल अपॉन डेल फाई ए फाई, H3 क्या था, 1, तो 1 ही हो जाएगा, और W क्या था आपका, Z, तो डेल बाई डेल Z ए Z. ओके, तो सिंपल सा अगर आंसर बोलूं तो आपका आंसर आ गया डेल बाई डेल रो ए रो प्लस डेल बाई डेल फाई ए फाई, और साथ में आपका 1 बाई रो का मल्टीप्लीकेशन है, और क्या आ गया आपका, प्लस में डेल बाई डेल जेड ए जेड. ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, एच वन क्या होता है, वन होता है, और यू क्या होता है, आर होता है. तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल आर ए आर प्लस एच टू क्या होता है आपका, आर होता है, ठीक है, और वी क्या होता है, थीटा होता है. तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर, ठीक है, डेल अपॉन डेल थीटा ए थीटा. ओके, एच थ्री क्या होता है आपका, आर साइन थीटा, तो वन अपॉन आर साइन थीटा, और डब्ल्यू क्या होता है आपका, फाई, तो डेल अपॉन डेल फाई ए फाई. क्लियर हो रहा है पॉइंट. देखिए, हम लोगों ने सिर्फ एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उससे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तीनों के फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है ना. तो आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, अलग अलग फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करिएगा, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए स्टार्टिंग का ये चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना. आगे के चैप्टर्स में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब आपके इतने ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है, बट ये जो चैप्टर है उसमें आपके बहुत सारे फॉर्मुले हैं जो हम लोग लास्ट कुछ वीडियोस से देख रहे हैं, ठीक है ना. तो आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए फॉर्मुलोज को याद रखने की. क्लियर है. नाउ हमने डेल के फॉर्मूले तो लिख दिए यहां पर, अब डेल होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना, ये क्या यूज है इसका. तो डेल जो है आपका, इट इज यूज टू स्टडी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस स्पेस वेरिंग क्वांटिटीज इन 3D स्पेस. ओके, 3D स्पेस में आपका रेट ऑफ चेंज एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. तो मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, इट इज यूज टू स्टडी द रेट ऑफ चेंज, ओके, ऑफ वेरियस
space varying quantities, okay? Various space varying quantities in 3D space, okay? So, quantities in 3D space. Clear है अच्छे से आप लोगों को? तो ये use है आपका del operator का. Clear? तो अब यहाँ पर del operator से related हम कौन-कौन से function study करते हैं? उसका हम पहले यहाँ पर analysis कर लेते हैं. तो देखिए, del operator से related हम लोग यहाँ पर study करते हैं del dot a. Okay, where a is the vector. ध्यान रखना होगा. Divergence. इसे हम क्या कहते हैं? Divergence कहते हैं. ठीक है? A आपका क्या है? Vector है. ये ध्यान रखिएगा. मैं vector sign यहाँ बना देता हूँ. और हमें क्या study करना है? Del cross A. Again, A आपका vector है. इसे हम कहते हैं curl. तो हमें curl study करना है. Divergence study करना है. और क्या study करना है हम लोग को? और study करना है आपको gradient. तो del P. ठीक है? जहां पे P आपका जो है स्केलर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो डाइवर्जेंस और कर्ल हैं, वो तो वेक्टर के लिए डिफाइंड है, लेकिन जो आपका ग्रेडियंट है, वो आपका किसके लिए डिफाइंड है यहाँ पर, वो डिफाइंड है आपका स्केलर के लिए, ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है लाप्लाशियन, ठीक है, डेल स्क्वायर, ठीक है, तो डेल स्क्वायर P, ये भी आपका स्केलर के लिए ही डिफाइंड है, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्केलर लाप्लाशियन ऑपरेटर, ओके, तो ये इसका नाम हो गया स्केलर लाप्लाशियन ऑपरेटर. तो इतनी चीजें हमें डेल से रिलेटेड स्टडी करनी है, ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे इन चीजों को स्टडी करना. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक डाइवर्जेंस से, ओके. तो डाइवर्जेंस होता क्या है? सबसे पहले हम लोग फिजिकल मीनिंग वगैरह इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम फॉर्मुलेस और न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, ओके. तो डाइवर्जेंस को आप अच्छे से समझिएगा. यहां पर डाइवर्जेंस को अगर सिंपल एक वर्ड में अगर डिफाइन करूं तो डाइवर्जेंस आपका शो करता है आउटफ्लो, ओके. जैसे कि आप सिंपल सा लॉजिक देखिए रियल लाइफ से, जैसे मान के चलिए आपका जो टायर ट्यूब है वो पंचर हो गई, ठीक है ना, तो जो एयर जो आउटफ्लो होगी, ठीक है ना, वो डाइवर्जेंस है एक तरह से, ठीक है. आप बोल सकते हैं कि जो बल्ब है आपके घर में, उसमें से जो लाइट का आउटफ्लो होता है, ठीक है, वो क्या है आपका डाइवर्जेंस है. तो डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है आउटफ्लो को, ठीक है. और डाइवर्जेंस कहता क्या है, डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है, कि टोटल आउटफ्लो जो है आपका, टोटल आउटफ्लो फ्रॉम एनी इनक्लोजिंग सरफेस, ओके, टोटल आउटफ्लो किसी इनक्लोजिंग सरफेस से हमेशा सेम होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है सेंट्रल कॉस पे, ठीक है, क्लियर है. जैसे मैं यहां पर फॉर्मूला तो लिख ही दूंगा ऊपर यहां पर आपके लिए, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है. मान लीजिए सेंटर, यहां सेंट्रल कॉस है कोई, ठीक है, तो जो टोटल आउटफ्लो होगा, ठीक है, फ्रॉम एनी इनक्लोजिंग सरफेस, वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है, और वो किस पे डिपेंड करता है आपका, सेंट्रल कॉस पे डिपेंड करता है. क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका डायग्राम इस बात को शो कर रहा है यहां पर. तो टोटल आउटफ्लो जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ, ओके, इनटू एरिया, ओके, और ये जो टोटल आउटफ्लो है वो ऑलवेज आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, सेम होता है, और डिपेंड किस पे करता है, सेंट्रल कॉस पे. क्लियर है पॉइंट अच्छे से आपको, ठीक है. तो ये मीनिंग होती है आपकी डाइवर्जेंस की, ठीक है, टोटल आउटफ्लो इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू एरिया, और ऑलवेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, और डिपेंड किस पे करता है आपका, सेंट्रल कॉस पे डिपेंड करता है, ठीक है. अच्छे से क्लियर हो गया है पॉइंट आपको. नाउ इससे रिलेटेड हम लोग जो गॉस लॉ वगैरह स्टडी हमें करनी है, वो हम लोग जब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे तभी पढ़ेंगे उस चीज को. अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस की मीनिंग बता रहा हूं. डाइवर्जेंस का जो मेन यूज है हमारे सिलेबस में, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में हमको स्टडी करना है, ठीक है. नाउ यहां पर डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. तो सपोज करिए आपके पास कोई वेक्टर है ए,
ax, ax plus ay, ay plus az, az. ओके तो यहां पर जो डायवर्जेंस होता है आपका क्या होता है, हमने पढ़ रखा है डेल डॉट ए होता है, ठीक है, यही होता है। तो अगर आप डेल डॉट ए को बनाना चाहते हैं यहां पर, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट करना होगा आपको, तो डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड। ओके इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आपका किसके साथ हो रहा है, देखिए यहां पर ये हो रहा है वेक्टर ए के साथ, तो ए एक्स ए एक्स प्लस ए वाई ए वाई प्लस ए जेड ए जेड। ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा डेल ए एक्स डॉट ए एक्स वन होता है, ए एक्स डॉट ए वाई जीरो और ए एक्स डॉट ए जेड भी क्या होता है जीरो, तो हमें सिर्फ सेम सेम को देखना है, तो ए एक्स डॉट ए एक्स कितना हो जाएगा वन, तो आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ओके तो ये हो गया आपका डायवर्जेंस ऑफ ए। आप देख सकते हैं कि जो आपका डायवर्जेंस था वो डिफाइन तो वेक्टर के लिए है, आपने वेक्टर ए का डायवर्जेंस कैलकुलेट किया है, ठीक है, लेकिन जो डायवर्जेंस आपका कैलकुलेट होके आया है वो आपका क्या है, स्केलर है। देख लीजिए इस डायवर्जेंस में कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है आपका, और वैसे भी हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट, तो हमें स्केलर प्रोडक्ट यहां पर अचीव हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है डायवर्जेंस का फॉर्मूले का इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको अच्छे से पता है कि सेम फॉर्मूला आपको स्टडी करना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड सेम फॉर्मूला आपको स्टडी करना होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगेन अलग अलग फॉर्मूला आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट करके भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है, बट यहां पर मैं डॉट प्रोडक्ट नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको फिर से एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक को अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो आप तीनों के तीनों फॉर्मूले लिख पाएंगे, चाहे स्फेरिकल के लिए हो, चाहे सिलेंड्रिकल के लिए हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर के लिए हो। ओके तो ट्रिक क्या है, डेल डॉट ए की, डायवर्जेंस ऑफ ए की ट्रिक होती है आपकी वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री। ओके और क्या होता है आपका डेल ऑफ डेल यू एच टू एच थ्री ए यू, ओके प्लस डेल अपॉन डेल वी एच वन एच थ्री ए वी प्लस डेल अपॉन डेल डब्ल्यू एच वन एच टू ए डब्ल्यू। ओके ये होता है आपका डायवर्जेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका यूज करके आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायवर्जेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है डेल बाय डेल यू, फिर आपने लिखा है एच टू एच थ्री ए यू, बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्मूला है ये। देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में बाकी दो आ गए एच टू एच थ्री, ये सेकेंड स्टेप था उसमें आ गए एच वन एच थ्री, ये थर्ड स्टेप था उसमें आ गए एच वन एच टू, ठीक है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्मूला है आपका। तो अब अगर मैं डेल डॉट ए डायवर्जेंस का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे पता है एच वन वन होता है, एच टू रो होता है और एच थ्री क्या होता है वन होता है, तो एच वन एच टू एच थ्री क्या हो जाएगा आपका रो, तो वन बाई रो। यू कितना होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका, रो होता है, तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल रो, ठीक है। फिर एच टू क्या होता है रो और एच थ्री क्या होता है वन, तो रो ए रो। ओके ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वी क्या होता है आपका फाई, ओके तो कितना हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल फाई। ओके अंदर क्या होगा बताइए, एच वन वन होता है एच थ्री भी वन होता है, तो ओनली क्या बचेगा आपका यहां पर ए फाई, क्लियर है अच्छे से, प्लस डब्ल्यू क्या होता है जेड, तो डेल अपॉन डेल जेड, एच वन होता है वन एच टू होता है रो, तो रो ए जेड। ओके क्लियर है अच्छे से। अब आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं वन बाई रो को, या एज इट इज छोड़ दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका डायवर्जेंस का फॉर्मूला डेवलप हो गया है इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ अगर मैं यहां से डायवर्जेंस का फॉर्मूला लिखूं
फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये कैसा हो जाएगा आपका, अगेन 1 अपॉन h1 h2 h3, h1 क्या होता है 1, h2 क्या होता है r, h3 क्या होता है r sin थीटा, तो 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा, ओके डेल अपॉन डेल u, u क्या होता है r, तो डेल अपॉन डेल r, फिर क्या होता है आपका h2 h3, ठीक है, तो h2 होता है r और h3 क्या होता है आपका r sin थीटा होता है, क्लियर है, तो h2 h3 क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर sin थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर sin थीटा और फिर au कितना हो जाएगा आपका ar, ओके प्लस v कितना होता है इस केस में थीटा, तो डेल बाय डेल थीटा, ओके फिर होता है आपका h1 h3, h1 होता है 1, h3 होता है r sin थीटा, तो r sin थीटा a थीटा प्लस डेल अपॉन डेल w, w क्या होता है आपका phi, तो डेल अपॉन डेल phi, h1 क्या होता है आपका 1, h2 क्या होता है r, तो आ जाएगा आपका r a phi, क्लियर है अच्छे से यहां तक, आप चाहें तो इस ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर सकते हैं, देखिए ओपन करने से यहां क्या फायदा होगा, कुछ टर्म्स आपके कैंसल आउट हो जाएंगे, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन वो आपका r के रेस्पेक्ट में है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा, कांस्टेंट है आपका, ठीक है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r, r स्क्वायर ar, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, नाउ सेकंड टर्म को देखिए, आपका थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो r कांस्टेंट होगा, तो एक r और एक r ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन r sin थीटा, ओके डेल अपॉन डेल थीटा, और क्या बचेगा आपका sin थीटा a थीटा, प्लस यहां पर कुछ भी कैंसिल हो सकता है क्या, यस यहां पर r आपका कैंसिल हो सकता है क्योंकि आपका phi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो r आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन r sin थीटा डेल a phi अपॉन डेल phi, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया यहां पर डाइवर्जेंस का इन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर है अच्छे से पॉइंट आप लोगों को, नाउ ये जो आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला यहां पर बना है आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो डाइवर्जेंस है आपका वो है तो वेक्टर्स के लिए, मींस आप किसी भी वेक्टर का क्या निकालते हो डाइवर्जेंस निकालते हो, ठीक है, बट जो डाइवर्जेंस निकल कर आता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका स्केलर होता है, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से, नाउ डाइवर्जेंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी, क्लियर, नाउ एक और यहां पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट का, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके सो व्हाट इज डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या यूज है इस थ्योरम का, क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम की, वो चीजें हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट यहां पर बता देता हूं, डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट करता है कि टोटल फ्लक्स, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर ए थ्रू द क्लोज सरफेस एस इज सेम एज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, ये स्टेट क्या कर रहा है आपका कि जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है, ठीक है, वेक्टर ए का, ठीक है, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ओके किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो वेक्टर ए का है, ठीक है, अभी तक हमने फ्लक्स को स्टडी किया नहीं है, अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया नहीं है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो आपका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है वेक्टर ए का, ये जो साइन है सर्कल वाला, ये क्लोज्ड को शो करता है, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मींस इसका अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल कर दें, ये सरफेस था ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, ओके क्लियर है पॉइंट,
तो इसका मतलब कि क्या है कि अगर आप क्लोज सरफेस इंटीग्रल करते हैं, ठीक है, या आप डाइवर्जेंस ऑफ ए का वॉल्यूम इंटीग्रल कर लीजिए, दोनों में आंसर आपका सेम आने वाला है। तो जो इस कंसेप्ट का यूज है हम न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में या मे बी नेक्स्ट वीडियो में डाइवर्जेंस से रिलेटेड, तो आपको वहां पर क्लियर होगा कि इस थ्योरम की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? नाउ तो ये होता है आपका डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, क्लियर? हम एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स डाइवर्जेंस के हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं यहां पर लेने जा रहा हूं डाइवर्जेंस के लिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू रो जेड कॉस स्क्वायर फाई ए जेड, ओके, और आपको यहां पर डेल डॉट ए कैलकुलेट करना है एट 2π/3 एंड 10। ठीक है, आपको दिया हुआ है रो फाई जेड। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका क्वेश्चन है, आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए यहां पर कैलकुलेट करना है। क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर आप ध्यान से देखिए, डेल डॉट ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपके लिए यहां पर फिर से ओपन कर देता हूं, तो आप देखिए जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका फॉर्मूला है वहां पर आपको कैपिटल ए रो चाहिए, कैपिटल ए फाई चाहिए और कैपिटल ए जेड चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी टर्म आपका अब्सेंट है तो आपको उस टर्म से रिलेटेड वैल्यू जीरो पुट कर देनी है। ठीक है, तो वो टर्म्स आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं इस पॉइंट को कि देखिए यहां पर सिर्फ स्मॉल ए जेड यूनिट वेक्टर प्रेजेंट है, मींस ये जो टर्म है आपका वो क्या है, कैपिटल ए जेड। इसका मतलब क्या है कि आपको कैपिटल ए रो और कैपिटल ए फाई की वैल्यू जीरो गिवन है, मींस आपको उन टर्म्स को लेने की यहां पर कोई नीड है ही नहीं। ठीक है ना, अच्छे से क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर देखिए ये जो फर्स्ट टू टर्म है ये आपके कैंसिल हो गए, आपको सिर्फ क्या लेना है, 1/ρ डेल बाई डेल जेड रो ए जेड, दैट्स इट, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका डेल डॉट ए 1/ρ, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल जेड, ओके, रो ए जेड, ओके। तो यहां पर 1/ρ एज इट इज लिख दीजिए आप, फिर ए जेड, ए जेड की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, रो ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा रो स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर फाइव। क्लियर यहां तक? अब देखिए आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो रो तो कांस्टेंट है, रो स्क्वायर आउटसाइड आ जाएगा, एक एक रो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रो कॉस स्क्वायर फाइव भी आउटसाइड आ जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? और z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको डेल डॉट a जो है वो किस पॉइंट पर निकालना है, रो की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, तो आप यहां पर 2 लिख लीजिए, फिर फाई की वैल्यू आपको गिवन है π/3 या आप 60 डिग्री भी बोल सकते हैं, तो कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल सा अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, उसके अलावा कुछ नया काम यहां पर आपको नहीं करना है। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। सपोज करिए वेक्टर ए आपको गिवन है रो ए रो प्लस रो साइन स्क्वायर फाई ए फाई माइनस जेड ए जेड, ओके, ये आपको क्वेश्चन यहां पर गिवन है और आपको बोला है डिटरमाइन डेल डॉट ए। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट्स भी हम ले लेते हैं, आपको बोला है एट पॉइंट रो इक्वल टू 2, ओके, फाई इक्वल टू π/2 एंड जेड इक्वल टू 10, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, रो की वैल्यू 2 दी है, फाई की वैल्यू π/2 दी है और जेड की वैल्यू 10 दी है। ठीक है, अगर मैं फिर से यहां पर अब डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो डेल डॉट ए, देखिए यहां पर ए रो भी प्रेजेंट है, कैपिटल ए रो, कैपिटल ए फाई भी प्रेजेंट है और कैपिटल ए जेड भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं आपके लिए।
तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई रो, ओके, और आगे क्या होता है आपका, डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, रो ए रो, क्लियर यहां तक अच्छे से, प्लस डेल अपॉन डेल फाई, ओके, और क्या होता है फॉर्मूला यहां पर आपका, ए फाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ओके, और यहां पर हो जाता है आपका रो ए जेड, क्लियर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डेल डॉट ए जो है, अगर मैं यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दूं, तो डेल अपॉन डेल रो, रो इंटू ए रो, ए रो कितना है आपका, रोस रो है, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू रो, रो स्क्वायर, क्लियर। तो रो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 रो होगा, मैं अभी ऐसे लिख देता हूं, रो स्क्वायर, आप बड़े आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल फाई, कितना है, सिर्फ और सिर्फ ए फाई है आपका, ए फाई की वैल्यू क्या है, रो साइन स्क्वायर फाई, प्लस डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड के साथ क्या है आपका, रो इंटू ए जेड, ओके, तो क्या हो जाएगा, माइनस रो जेड, क्लियर यहां तक अच्छे से। आपकी जो ए जेड की वैल्यू है, कैपिटल ए जेड की वैल्यू, वो माइनस जेड है ना आपके लिए, ठीक है। तो अब आपका जो डेल डॉट ए है वो कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से समझिएगा, 1 बाई रो आपका आउटसाइड है, रो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 रो, तो अभी हम इतना लिख लेते हैं, 1 बाई रो, रो स्क्वायर का हो गया आपका 2 रो, प्लस अगला टर्म क्या है आपका, साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो साइन स्क्वायर फाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका, पहले तो एक्स स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर फाई का कितना हो जाएगा, 2 साइन फाई, फिर साइन फाई का कितना होता है आपका, कॉस फाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रो 2 साइन फाई, एंड साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, क्लियर, प्लस माइनस रो जेड का, तो जेड का तो हो जाएगा आपका 1, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस रो, तो यहां आ गया आपका माइनस रो, क्लियर है अच्छे से ये पॉइंट आपको। नाउ आप देखिए यहां से 2 रो माइनस रो क्या होगा, रो, तो आप लिख सकते हैं यहां पर 1 बाई रो, अंदर क्या बचेगा, रो प्लस 2 रो साइन फाई कॉस फाई, ओके, यहां तक हो गया। नाउ रो कॉमन ले लू अगर अंदर से, तो रो एंड रो आपका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस नाउ 2 साइन फाई कॉस फाई, कितना हो जाएगा आपका ये साइन 2 फाई, ओके। अब आपको किस पॉइंट पर कैलकुलेट करने बोला है, आप देख लीजिए, सिर्फ फाई की वैल्यू चाहिए होगी, फाई आपको दिया है पाई बाय 2, ओके, तो आपका 2 इंटू पाई बाय 2 मींस पाई हो जाएगा, साइन पाई क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 1, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरह के कुछ सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम लोग डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। नाउ मैं यहां पर थोड़ा सा एक डिफिकल्ट और कंसेप्ट वाला न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं। अब अगर आप इस न्यूमेरिकल को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि आपको डाइवर्जेंस के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, या मेनली अगर मैं हाईलाइट करूं तो डाइवर्जेंस थ्योरम को किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपको बोला है कि आपकी एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, आपको एक क्लोज्ड सरफेस यहां पर गिवन है, और वो जो आपकी क्लोज्ड सरफेस है उसकी वैल्यू दी हुई है, एक्चुअली उसकी रेंज दी हुई है माइनस 1 से प्लस 1 तक आपको दिया हुआ है जेड, ओके, और आपको x दिया हुआ है 0 टू 1, और आपको जो y दिया हुआ है वो भी आपको दिया हुआ है यहां पर 0 टू 1, ओके, तो ये रेंज आपको गिवन है यहां पर, ठीक है। अब आपको क्या बोला है करने के लिए, आपको एक वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर a जो है वो दिया हुआ है आपको 4xy ax माइनस 3y az, ओके, और आपको क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन a डॉट ds, ओके, मींस आपको यहां पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ a कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं क्लोज्ड सरफेस की बात करूं तो क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है बहुत सारी ओपन सरफेस का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आपको यह पॉइंट समझना होगा,
देखिए आपको जो रेंज दी है वो x की दी है, y की दी है और z की दी हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका x है वो 0 से 1 है, मतलब एक बार आपको सरफेस कैसे लेनी होगी, x इक्वल टू 0 और एक बार लेनी होगी x इक्वल टू 1। उसी तरीके से एक बार आपको लेनी होगी y इक्वल टू 0 एंड एक बार लेनी होगी y इक्वल टू 1। उसी तरीके से आपको लेनी होगी एक बार z इक्वल टू माइनस 1 और एक बार आपको लेनी होगी z इक्वल टू 1। इस तरह से टोटल जो है आपकी वो 6 सरफेसेस हो जाएंगी। तो ये आपका बन जाएगा a डॉट ds इज इक्वल टू 6 ऑफ a डॉट ds, क्लियर है। तो आपको टोटल 6 सरफेसेस का एडिशन करना है यहां पर a डॉट ds का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर 1 बाय 1 ऑल 6 सरफेस लेंगे। तो पहला ले रहा हूं मैं फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 सरफेस के लिए मैं लेने जा रहा हूं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहने जा रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि गेट और आईएएस में। x इक्वल टू 0 मींस जब आप लोअर लिमिट लेंगे तो हमेशा आपको डायरेक्शन जो है सरफेस का, ds का, वो हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। यहां पर समझिए x इक्वल टू 0 दिया है, मतलब x आपका कॉन्स्टेंट है, तो चेंज क्या क्या हो रहा होगा y और z, तो क्या हो जाएगा dy dz ax, ठीक है ना। और डायरेक्शन को आपको माइनस ए एक्स लेना है, तो सामने क्या आ जाएगा माइनस। मैंने लास्ट वीडियो में भी जब आपको डिफरेंशियल सरफेस पढ़ाया था तो आपको एक दो क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने बताया था जो कांस्टेंट रहेगा वही आपका डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, बाकी दो वेरिएबल्स आपके चेंज होंगे। तो यहां पर डायरेक्शन आपका नेगेटिव क्यों लिया है, आपको ध्यान रखना है हमेशा अच्छे से। जब भी आपका लोअर लिमिट आप कंसीडर करोगे तो डायरेक्शन हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां से अब a डॉट ds कैलकुलेट करने जाऊं तो ax है आपका डायरेक्शन, और जो आपका वेक्टर a है उसमें भी ax अवेलेबल है, तो ax डॉट ax क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बचेगा आपका 4xy, ठीक है, 4xy dy dz और सामने साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से a डॉट ds कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो डबल इंटीग्रेशन होगा माइनस 4xy dy dz, ठीक है। यहां पर एक्चुअल में आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने की कोई नीड ही नहीं है, क्यों, ये जो आपका a डॉट ds आया है आपको पता है कि आप x इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, x की वैल्यू क्या है, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। तो अब अगर यहां पर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दें तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 0, आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें टाइम सेव करना होगा एग्जाम में इन चीजों को समझते हुए। नाउ नेक्स्ट सरफेस अगर मैं यहां पर कंसीडर करने के लिए जाऊं तो नेक्स्ट सरफेस होगी फॉर x इक्वल टू 1, तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा ds कितना हो जाएगा आपका dy dz ax, ओके, सेम है आपका dy dz ही है, डायरेक्शन भी ax है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपर लिमिट के लिए डायरेक्शन को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहां पर a डॉट ds जो है आपका सेम आ जाएगा, ठीक है, बट यहां पर आपका पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। और यहां पर आपको पता है x की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा 4y dy dz, क्लियर। यहां पर 0 नहीं होगा ना, क्योंकि यहां पर भी x कांस्टेंट है, नो डाउट, बट x क्या है आपका 1 है। नाउ a डॉट ds अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो डबल इंटीग्रेशन होगा, y की रेंज आपकी क्या है 0 टू 1, z की रेंज क्या है माइनस 1 टू प्लस 1, 4y dy dz, क्लियर अच्छे से। अब आप देखिए यहां पर 4 तो कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dz अवेलेबल है तो dz का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका z हो जाएगा, लिमिट क्या है 1 एंड माइनस 1, तो कितनी हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए एक बार z माइनस 1 से प्लस 1, और क्या है आपका y है, तो y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 टू 1, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटू में आपका आ जाएगा यहां पर 1 बाय 2, ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 4, क्लियर है अच्छे से।
तो हम लोगों ने x इक्वल टू 1 के लिए एक फाइनाइट वैल्यू अचीव की है 4. नाउ नेक्स्ट सरफेस होगी आपकी फॉर y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 के लिए अब आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपका y कांस्टेंट है तो डायरेक्शन जो है आपका वो कितना हो जाएगा, a y हो जाएगा, ठीक है. बट लोअर लिमिट आपने कंसीडर की है तो माइनस होगा डायरेक्शन, और माइनस साइन सामने लगा दीजिए, और आपके चेंजेस क्या क्या होंगे x और z में, तो dx dz हो जाएगा. अब अगर मैं यहां से a डॉट ds को कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में कि यहां पर जो आपको a वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, उस a वेक्टर में स्मॉल ax डायरेक्शन अवेलेबल है और स्मॉल az अवेलेबल है, ay तो अवेलेबल ही नहीं है. तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा यहां पर. तो a डॉट ds कितना आ गया, जीरो. तो इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट ds भी कितना आ गया आपका, जीरो. कैलकुलेट करने की यहां कोई नीड ही नहीं थी आपके लिए, ठीक है. अब अगली सरफेस क्या है फॉर y इक्वल टू 1, यहां पर ध्यान से समझिए आप, ds फिर से क्या हो जाएगा, dx dz ay, लेकिन फिर से आंसर आपका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि y का कोई टर्म है ही नहीं आपके वेक्टर a में, ay अवेलेबल नहीं है ना. तो ay डॉट ax जीरो, ay डॉट az भी क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है. तो ये कैलकुलेशन एक्चुअल में आप एग्जाम में कभी करेंगे ही नहीं. मैं तो यहां लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको अच्छे से समझाना है, लेकिन एग्जाम में आप देख लेंगे कि वेक्टर ए में स्मॉल ए वाई का कोई टर्म नहीं है, तो वाई सरफेस आपको कंसीडर करने की कोई नीड ही नहीं थी. ओके, नाउ नेक्स्ट सरफेस है आपकी जेड इक्वल टू माइनस 1, ठीक है. ये आपकी लोअर सरफेस है जेड में, तो जेड इक्वल टू माइनस 1 के लिए आपका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन हो जाएगा आपका माइनस ए जेड. ओके, तो डीएस की वैल्यू हो जाएगी आपकी डी एक्स डी वाई माइनस ए जेड. तो ये आ जाएगा माइनस डी एक्स डी वाई इंटू ए जेड. ओके, तो यहां पर अगर मैं ए डॉट डी एस परफॉर्म करने जाऊं तो आपका वेक्टर ए क्या है, फिर से आप देख लीजिए, यहां पर वेक्टर ए है आपका 4xy ax. तो एक्स ए एक्स और ए जेड तो आपका जीरो हो जाएगा, ये करने की नीड नहीं है. बट ए जेड डॉट ए जेड 1 होगा, तो माइनस 3y का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका यहां पर माइनस डी एक्स इंटू डी वाई से. तो ये बन जाएगा आपका 3y डी एक्स डी वाई. क्लियर अच्छे से. अब अगर मैं यहां पर a डॉट डी एस को परफॉर्म करूं तो ये आपका आंसर आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन 3 आउटसाइड y डी एक्स डी वाई, दोनों की रेंज आपकी 0 टू 1 है x और y की, ठीक है. तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है 1, तो 1 बाय 2. डी एक्स का क्या हो जाएगा, x, तो क्या हो जाएगी लिमिट आपकी 1. तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आ जाएगा आपका 3 बाय 2 आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हम लोग को, ठीक है. अब अगर मैं अगली और लास्ट सरफेस की बात करूं जेड इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू 1 सरफेस पे आप देखिए ध्यान से, यहां पर अपर सरफेस है तो आपका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा ds dx dy az. ओके, a डॉट ds क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि वहां पर माइनस 3y था, ठीक है ना, वेक्टर a में, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y dx dy. तो a डॉट ds इंटीग्रेट अगर करें हम लोग तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 3y dx dy, दोनों की लिमिट क्या है 0 टू 1, 0 टू 1. ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर माइनस 3 आपका आउटसाइड आ गया, ठीक है. फिर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, तो 1 बाय 2, और dx का x हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1. तो आंसर क्या हो गया, माइनस 3 बाय 2 हो गया आंसर आपका. क्लियर है अच्छे से. अब आपको क्या करना है, अगर आपको टोटल लिखना है, टोटल a डॉट ds, तो आपको यहां से क्या करना होगा, जो सारी की सारी आपने 6 सरफेसेस के लिए आंसर कैलकुलेट किया है a डॉट ds का, उसे आप ऐड कर दीजिए, ठीक है. तो फर्स्ट केस में क्या आया था 0, सेकंड में क्या आया था 4, थर्ड केस पे 0, फोर्थ केस पे भी 0 आया था आपका, फिफ्थ केस पे क्या आया 3 बाय 2,
एंड 6 पे भी क्या आया -3/2, तो 3/2 एंड -3/2 भी क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर बचा यहां पर 4, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन यहां पर फिनिश होता है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डीएस का। नाउ अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करने जाऊं सेकेंड मेथड से, जो हमने डायवर्जेंस थ्योरम पढ़ा था, डायवर्जेंस थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। डायवर्जेंस थ्योरम हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि अगर आपका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आपको निकालना है किसी वेक्टर का, तो आपके पास एक और अल्टरनेटिव है कि आप उसका डायवर्जेंस ले लीजिए उस वेक्टर का और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या इस मेथड से आंसर हमारा क्विकली आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मेथड 2, ओके, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेल डॉट ए निकालना होगा, ठीक है, डायवर्जेंस ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, कैपिटल ए एक्स क्या है आप चेक कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल में गिवन है ये, ठीक है। तो कैपिटल ए एक्स है आपका 4xy और कैपिटल ए वाई क्या है 0 है, ठीक है, और कैपिटल ए जेड क्या है आपका -3y है, ठीक है। हम सारी वैल्यू यहां पर पुट करने वाले हैं अब, ठीक है। तो ये है आपका 4xy प्लस डेल बाई डेल जेड -3y, ठीक है, डेल बाई डेल वाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल ए वाई क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आंसर, आप देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो आंसर होगा 4y, और -3y का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0 होगा, तो यहां पर आपको लिखने की कोई नीड नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर अब अगर मैं डेल डॉट a का वॉल्यूम इंटीग्रल लेने जाऊं, तो वॉल्यूम माने ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट्स क्या क्या है आपकी, लिमिट्स हैं आपकी x की है आपकी 0 to 1, y की भी 0 to 1, और z की क्या है आपकी -1 से 1, ओके। तो मैं यहां सारी लिमिट्स आपके लिए लिख देता हूं, तो यहां पर आपका जो आंसर है 4 आपका आउटसाइड आ गया, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y² / 2, ओके, और लिमिट क्या है आपकी 0 to 1, x dx का क्या हो जाएगा आपका x, लिमिट क्या है 0 to 1, और dz का क्या हो जाएगा z, लिमिट क्या है -1 से 1। तो आपका आंसर क्या होगा आप चेक कर लीजिए, यहां पर y² / 2 मतलब 1/2 हो गया, तो 4 × 1/2, यहां तक कितना मिल गया हमें 4 × 1/2 मीन्स 2, ठीक है, यहां पर 1 मिल जाएगा तो 2 × 1 = 2, यहां पर क्या मिल जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 मिल जाएगा, तो 2 × 2 = 4, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लीजिए आप, यहां पर भी 4 था और यहां पर भी क्या है 4 है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे हमने इतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किया मेथड 1 में क्यों किया, हमारे पास तो 2 स्टेप में आंसर आ गया, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमें एक डायवर्जेंस लेना पड़ा और उसका बस वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ा, इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी जो लिमिट्स की हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है, आप सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं सबको, एक्स को वाई को और जेड को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा एक्चुअल में कि आपको चूज करना होगा वो मेथड जो आपका कैलकुलेशन में कम टाइम ले, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ बट आपको ये पॉइंट भी दिमाग में रखना होगा कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि मेथड नंबर 2 ही आपका कम टाइम ले, कभी कभी हो सकता है कि मेथड नंबर 1 भी कम टाइम ले सकता है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं फिर, जिससे इस बात को प्रूव करूंगा कि मेथड नंबर 1 भी कभी कभी आपके लिए सुटेबल हो सकता है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, आपको फिर से एक वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है 10 ρ − 3² a ρ, ओके, और आपको क्लोज्ड सरफेस फिर से गिवन है यहां पर 0 to 5 to π, ठीक है, और आपको रो की रेंज यहां पर गिवन है 3 to ρ to 4, एंड आपको जेड की रेंज यहां पर गिवन है -5 to z to +5, ओके, ये आपको रेंजेस यहां पर गिवन है, ओके। तो यहां पर मैं अब मेथड नंबर 1 यूज करने जा रहा हूं, मुझे यहां पर फिर से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है a डॉट ds, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ a, ठीक है। तो आप समझिए कि जब मेथड नंबर 1 में मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा, तो यहां पर टोटल मेरी 6 सरफेसेस हैं,
phi equal to 0, phi equal to pi. Rho equal to 3, rho equal to 4. Z equal to minus 5 and Z equal to 5. Okay, there are total 6 surface. Okay, but यहाँ पर आपको ये समझना होगा, suppose करिए अगर मैं rho equal to 3 first surface ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो आपको vector A given है, ठीक है, आपको vector A का ही A dot ds करना है ना, तो जब आप rho equal to 3 put करेंगे, तो vector A जो है आपका वो 0 हो जाएगा, तो जो आपका A dot ds है वो भी क्या हो जाएगा, 0, 3 minus 3 is 0 ना, clear है अच्छे से, तो यहाँ पर आपको calculate करने की जरूरत नहीं थी, जो आपका first number था, rho equal to 3, अगली जो surface है, rho equal to 4, यहाँ पर देखिए अगर rho equal to 4 है, तो जो ds है, वो क्या हो जाएगा, obvious सी बात है, phi change होगा, और z change होगा, और direction क्या होगा, a rho होगा, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, जब direction a rho होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर आता है h2 into h3, तो कितना लग जाएगा यहाँ पर, rho लग जाएगा, clear है अच्छे से, तो यहाँ पर अब अगर मैं a dot ds को calculate करूँ, तो a dot ds कितना हो जाएगा, 10 into rho minus 3 का square, ओके, और a rho dot a rho तो 1 हो जाएगा, साथ में आपका rho multiply हो जाएगा, तो rho into 10 rho minus 3 का square d phi dz, ओके, ये आपका यहाँ तक आपका create हो जाएगा, clear है, यहाँ पर आपको पता है rho जो है वो constant है ना, ध्यान रखिएगा, integration कितना आसान हो रहा है, तो 4 minus 3 क्या होता है, 1, finish हो गया, और 4 into 10 is 40, तो 40 d phi dz, ओके, तो यहाँ से आपका integration of a dot ds जो होगा, 40 आपका outside आ जाएगा, d phi का integration phi, dz का क्या हो जाएगा, z, phi की range है आपकी क्या, 0 to pi, z की range है क्या, minus 5 to 5, तो कितना answer हो गया, देख लीजिए आप, ये 5 minus of minus 5, 10 हो जाएगा, 10 into pi into 40, तो 400 pi आपका answer आ जाएगा यहाँ से, बहुत easily, clear है, next surface की यहाँ पर बात करूँ मैं, जो phi equal to 0 surface है, ठीक है, क्या आपको phi equal to 0 surface, या अगली surface की बात करूँ, phi equal to pi surface, या अगली surface की बात करूँ, z equal to minus 5 surface, या next surface z equal to 5 surface, क्या इनमें से किसी के लिए भी आपको calculation यहाँ करना चाहिए, क्यों, आप पूछेंगे क्यों नहीं करेंगे हम calculation, तो आप समझिए यहाँ पर, आप हर बार करते हैं a dot ds, ठीक है, और जो surface आप लेते हैं, जैसे suppose करिए आपने लिया rho equal to 3 surface, तो direction क्या होगा, a rho, ठीक है, तो a rho तो available था, a rho dot a rho आपका 1 हो गया था, लेकिन आप suppose करिए लेते हैं z equal to 5 surface, तो direction होगा az तो यहाँ है ही नहीं ना vector a में, तो az dot a rho 0 हो जाएगा, उसी तरीके से a rho dot a phi भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बाकी calculation आपको यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी, directly आपका answer आ गया, a dot ds is equal to 400 pi, बाकी 5 values आपकी 0 हैं, first case आपका rho minus 3 square के कारण 0 हो गया था, क्योंकि rho की value 3 थी, second case में आपका आया answer 400 pi, बाकी सारे cases में आपका answer क्या आ गया यहाँ पर, 0 आ गया, calculate करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, clear है अच्छे से यहाँ पर, तो समझिएगा यहाँ पर, method number 1 से हमने calculate किया है, जो आपको last question में बहुत बड़ा लग रहा था, यहाँ पर क्या है वो, बहुत ही ज़्यादा small निकला, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर method number 2 use करने की कोशिश करूँ, तो मुझे सबसे पहले निकालना होगा del dot a, okay, तो जो आपका del dot a है, ठीक है, कोई ज़्यादा tough नहीं है यहाँ पर del dot a calculate करना, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ capital A rho given है, 10 into rho minus 3 का whole square, okay, तो यहाँ पर capital A rho given है, तो 1 by rho आपका outside हो जाएगा, okay, क्या हो जाएगा del upon del rho, okay, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका rho into capital A rho, clear अच्छे से, तो जो आपका capital A rho है, वो कितना है, 10 into rho minus 3 का square, तो 1 by rho, del upon del rho, अंदर भी rho, and 10 rho minus 3 का square, clear, तो यहां से 10 तो आपका outside चले जाएगा,
तो यहां पर आपको रो इनटू रो माइनस 3 के होल स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो हम पहले डिफरेंशिएशन यहां पर कर लेते हैं, तो डेल डॉट ए कितना हो जाएगा, 10 बाई रो आपका आउटसाइड हो गया, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करता हूं तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो पहले अगर मैं डेल का कर लूं तो डेल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, तो सिर्फ क्या बचेगा रो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, अब अगर मैं रो को कांस्टेंट रखूं और रो माइनस 3 का स्क्वायर का कर लूं तो कितना बच जाएगा आपका, इंटू 2 रो माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका यहां पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस डेल डॉट ए का वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन। अंदर आप क्या लिखेंगे, डेल डॉट ए लिखेंगे, जो इतना बड़ा आपका आंसर आया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रो डी फाई डी जेड, यही फॉर्मूला होता है ना आपका डीवी का इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है लास्ट वीडियो में, आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए मेथड नंबर 2 जो था वो सुटेबल नहीं था, मेथड नंबर 1 जो था वो ज्यादा सुटेबल था आपके लिए, ओके। तो ये मैंने यहां पर कुछ डायवर्जेंस से रिलेटेड और डायवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं, आई होप आपको डायवर्जेंस अब कैलकुलेट करते बन जाएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, और आपको डायवर्जेंस की मीनिंग भी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्ल और ग्रेडियंट की स्टडी करेंगे, ओके, गुड बाय।